बीएससी वाले ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। पहले मैं बीएससी वालों को बता दूं, बीएससी की जो मैथमेटिक्स हमारा चल रहा था तो उसमें एक बहुत ही शानदार वीडियो मैंने अपलोड की है, ये देखिएगा। इसमें दिखा रहा है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये तो हमने पहली वाली वीडियो में और पहले वाले लेक्चर में बता चुके थे। तो आज की जो वीडियो थी उसमें सब टेंजेंट, सब नॉर्मल क्या होते हैं, सब टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, यदि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल की परिभाषा क्या होती है, उस एंगल का मान हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि दो कर्व कैसे ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब लंब कोणीय वक्र कैसे होंगे, लंब कोणीय वक्र होने की क्या कंडीशन होती है, यानी ऑर्थोगोनली होने की क्या कंडीशंस होती है, किस तरह से दो कर्व ऑर्थोगोनल होंगे और किस तरीके से आप उनको प्रूव करोगे। तो ये सारा कुछ हमने बताया है, बहुत ही प्यारी शानदार वीडियो है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाकर सभी लोग चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो नॉर्मल और टेंजेंट की पोलर फॉर्म के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ वालों की, तो ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ वालों की जो फिजिक्स थी, एनसीईआरटी की जो डिमांड की थी आपने न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की, तो वो भी हमने वीडियो बना दी है, उसका भी मैं लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अभी मैंने वो अपलोड नहीं की है, अपलोड करने के बाद तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मैथ का भी हमारा करा दीजिए ट्वेल्थ क्लास का, तो मैथ का ऐसा है कि आपकी अब तैयारी इस लेवल से कराई जाएगी, जैसे कि जो एक तो आपका 43 नंबर का कैलकुलस है तो कैलकुलस ही स्टार्ट करूंगा, और साथ में पैरेलल लेके चलूंगा उन चीजों को, जैसे कि जो एक एक दो दो दिन के चैप्टर हैं, जैसे कि आपका प्रायिकता हुई 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, जैसे कि आपका रैखिक प्रोग्रामन हुआ जो कि 1 दिन में खत्म हो जाता है, जो 6 नंबर का आता है, ऐसे ही आपका 10 नंबर की प्रायिकता हो गई, ठीक है। 44 नंबर का कैलकुलस, कैलकुलस काफी दिन चलेगा, वो बड़ा है और कैलकुलस आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये बीएससी वगैरह आगे भी काम करता है, इसलिए कैलकुलस भी मैं लेकर चल रहा हूं। तो अब मैंने कैलकुलस लिमिट्स स्टार्ट किए हैं, तो जो बीएससी वालों ने लिमिट्स अभी नहीं पढ़े हैं तो वो भी सीख सकते हैं, और ट्वेल्थ वालों के लिए तो है ही है। ट्वेल्थ वालों की लिमिट्स का जो वीडियो है मैंने बना दिया है, कैलकुलस हम पूरा करा देंगे आपका, तो देख लेना, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो और फिजिक्स के सबसे पहले फिजिक्स की अपलोड होगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो जाकर सभी लोग चेकआउट करें, देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलेंगे खुश अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।